Aspiring to students, it is my first video on 12 topics regarding CBSE, JEE or NEET. Later on I will also upload for 11th. Before I start topics, I want to share my ideas with you. Most of my students think CBSE and JEE both are two different aspects. It's not different. JEE is only the upper version of CBSE, where you have to deal with different level of problems, and I will take you there from CBSE to JEE Main. 12th में दो पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू. पार्ट वन में 8 चैप्टर है. ये सारा चैप्टर, 8 चैप्टर कंबाइन है, मतलब कंबाइनली इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो बेसिकली पार्ट वन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है. पहला तो चैप्टर 1 और 2 दोनों मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज. यानी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं, यानी पूरे 8 चैप्टर्स में हम लोगों को केवल चार्ज के बारे में ही स्टडी करना है. अब चार्ज को स्टडी करना है तो चार्ज हो सकता है कि रेस्ट में हो, चार्ज हो सकता है कि मोशन में हो. अब मोशन में होगा तो दो तरह का मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो मोशन जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में डील करते हैं, और चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिज्म में डील होता है. और जब चार्ज को जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो वो डील हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज रेस्ट में है. चार्ज रेस्ट में है यानी हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज. चार्ज इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, यू मे ऑल्सो डिनोट बाय स्मॉल क्यू. फर्स्ट पॉइंट, चार्ज इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ एटम्स ऑफ मटेरियल्स. यानी जो भी बॉडी है वो किसी मटेरियल से मिलके बना हुआ है, और मटेरियल जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है. सो चार्ज इज डायरेक्टली लिंक विद एटम्स ऑफ मटेरियल, दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटम. सो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10^-15 मीटर होता है, और एटम का जो रेडियस होता है वो 10^-10 मीटर होता है. तो ये प्रोटॉन एटम जो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है. तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है. अगर इलेक्ट्रॉन का हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. चार्ज 1.6×10^-19 कूलम. मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.67×10^-27 kg. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1×10^-31 kg. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. दोनों का नेचर बस केवल अपोजिट होता है. और एटम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. और एटम के बारे में एक बात क्या है, एटम के बारे में एक बात और ये है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. मतलब क्या, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है. और चूंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर और प्रोटॉन का नेचर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसीलिए नेट चार्ज जीरो हो जाता है. इसीलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एटम से,
एटम जो है वो में तीन फंडामेंटल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब भी हम चार्ज का बात करते हैं, मतलब चार्ज इज डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एटम चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि कारण है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच एक फोर्स एक्ट करता है जो होता है। अगर तुम प्रोटॉन प्रोटॉन को देखें तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक रिपल्सिव फोर्स भी लगता है सेम नेचर के कारण। सेम नेचर के कारण यानी प्रोटॉन सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो प्रोटॉन प्रोटॉन है तो इसमें रिपल्सन हो। तो इसके अलावा, इस रिपल्सिव फोर्स के अलावा भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि न्यूक्लियर फोर्स है, और यही न्यूक्लियर फोर्स उस दोनों को बांध के रखा हुआ है। यानी न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसीलिए प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट चार्ज के बारे में, किसी भी बॉडी में चार्ज जो होता है वो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सेकेंड पॉइंट, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये बी। अगर बॉडी ए बॉडी बी को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस वन ही हो गया और ये माइनस वन ही हो गया। ई स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, यू मे ऑल्सो से दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे इतना कूलम चार्ज आ जाएगा प्लस, और इस पे आ जाएगा माइनस इतना चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अगर दो इलेक्ट्रॉन देता तो ये प्लस टू ही हो जाता और ये माइनस टू ही हो जाता। और अगर ये 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता तो ये हो जाता -10e और ये हो जाता +10e। इसका मतलब इन जनरल किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी के लिए चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ध्यान से देखो, एक बॉडी पे प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है, दूसरे बॉडी पे माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है। सो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ई, क्यू इज द चार्ज इन बॉडी एंड प्लस साइन इज यूज फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड माइनस साइन इज यूज फॉर निगेटिवली चार्ज बॉडी। ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और गेंड। यानी ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे लिया गया। तो ये फॉर्मूला है कि किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई से करते हैं। तीसरा बात अगर हम लोग बोले, थर्ड बात, कि चार्ज जो है क्यू स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर इसको केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। और ये पॉजिटिव यानी जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, हम लोग इसको सी से डिनोट करते हैं। चार्ज दो तरह का होता है, फोर टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को डिफाइन करने का केवल एक ही तरीका है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है। प्रोटॉन का नंबर ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का ही नंबर घटता बढ़ता है, जिसके कारण बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज होता है। सो जब भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज को डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला निगेटिव। सो पॉजिटिव चार्ज इज सिंपली शोज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर कोई है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। सो पॉजिटिवली चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिवली चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका जितना भी नंबर ऑफ प्रोटोन था उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो न्यूट्रल था, लेकिन अब ये आउटर सोर्स से कुछ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके पास हो रहा है तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। सो पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो हम लोगों ने देख लिया कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है किसी भी एटम से, मतलब मटेरियल के एटम से, और एटम मिलके बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन के बीच एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी सबसे ज़्यादा होता है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो है न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो नहीं सकता, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, और चार्ज जो है दो तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी हम लोग चार्ज को डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में डिफाइन करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा ही नेट कूलम्ब होता है, सी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चार्ज से। किसी भी बॉडी में एक बात था, किसी भी बॉडी में चार्ज जो होता है वो होता है क्यू इजल टू प्लस माइनस, यानी प्लस इज यूज फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, माइनस इज यूज फॉर निगेटिवली चार्ज बॉडी। एंड वॉट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और यू में से मैग्नीट्यूड ऑफ वन प्रोटोन, वट एवर, बिकॉज बोथ आर सेम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो मॉडर्न, मतलब मॉडर्न टाइम के अनुसार से एटम को हम लोग इस तरह से जानते हैं कि एटम है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में एटम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो अराउंड 600 BC में एम्बर एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, जो पाया गया कि वो ड्राई लीव्स को अट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद 1600 सेंचुरी में और सारा सब्सटेंस भी पाया गया जो कि जिसमें अट्रैक्शन अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी पाया गया कि ये ड्राई लीव्स को अट्रैक्ट कर सकता है। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि फर्स्ट टाइम बोले कि एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फायर और इलेक्ट्रिक फ्लूइड। चूंकि उसमें मॉडर्न एटम का एटम जो आज हम लोग जानते हैं वो बहुत साल पहले एटम का उस तरह से एटमों को हम लोग नहीं जानते थे, तो उस समय एटम का चूंकि डिस्कवरी नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था, इसीलिए उस समय जो डिफाइन किया गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिफाइन किया कि सारे सब्सटेंस जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फायर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, और अगर किसी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड है मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और अगर किसी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड है तो वो निगेटिवली चार्ज फ्लूइड है। और वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार से, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन भी किया। ऑब्जर्वेशन ये किया कि मतलब अगर इलेक्ट्रिक फायर जो होता है, मतलब देखा गया कि इलेक्ट्रिक फायर अगर मान लो एक मटेरियल और दूसरा मटेरियल दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है। उसके बाद हम लोग कुछ फेनोमेना का बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ देन इट एक्वायर्स पॉजिटिवली चार्ज।
मतलब, और ये एक रबर रॉड है, या इसको हम लोग अम्बर रॉड बोलते हैं, एम्बर रॉड है। अगर इसको हम लोग कैट फर से रब किया जाए, इसको कैट फर से अगर रब किया जाए तो इस रबर पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। सो ये मटेरियल के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि अगर जब भी दो मटेरियल को एक दूसरे में रब किया जाता है तो किसी एक पे पॉजिटिव तो किसी एक पे निगेटिव, अगर एक पे पॉजिटिव आया तो दूसरे पे निगेटिव। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और एक रबर रॉड है जो कि निगेटिवली चार्ज है। उसके बाद हम लोग क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी पे आएंगे सवाल के कारण। क्या कर रहे हैं हम कि एक पॉजिटिवली चार्ज हम क्या किए, कोई एक ग्लास रॉड लिए और उसको सिल्क से रब किए, रब्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब क्या किए हम कि एक कंडक्टर लिए। मेटेरियल बहुत तरह का होता है, हम लोग मेटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। मेटेरियल जो होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ये तीनों मेटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि एक चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक कंडक्टर के पास ले जाते हैं। सपोज ये कंडक्टर है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम कंडक्टर के पास ले गए। अब कंडक्टर क्या है, कंडक्टर को जान लेते हैं। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कैपेबिलिटी है। मतलब कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर भी किससे बना हुआ है, कंडक्टर कंडक्टर भी एटम से मिलके बना हुआ है, यानी कंडक्टर जो है मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है। तो और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर में फ्यू फ्रैक्शन और सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, वो डायरेक्टली एटम के साथ अटैच नहीं होता, फ्री है, रेंडम, वो रेंडमली मूव कर सकता है अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ कंडक्टर। सो दिस इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर हैव फ्री चार्ज, सिंपल, कंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव फ्री चार्ज, सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ फ्री चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। फ्री चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो जब हम एक ग्लास रॉड को किसी कंडक्टर के पास ले आते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और इधर एक्यूमुलेट हो जाता है। और चूंकि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन घट गया, इसीलिए इधर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाता है। और हम बताए भी थे पॉजिटिवली चार्ज का मतलब सिंपली डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कम है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कम है। अब क्या, अच्छा ये जो प्रोसेस कहलाता है कि जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के पास, जो कि शुरू में न्यूट्रल था, इनिशियली ये न्यूट्रल था, इनिशियली क्या था, ये न्यूट्रल था, तो हम ले गए तो इसमें चार्ज का डिवीजन हुआ, चार्ज डिवीजन, एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन इंडक्शन। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है इंडक्शन, और इससे पोलराइजेशन। सो जब भी किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं तो उसमें चार्ज डिवीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, और ये मेथड कहलाता है इंडक्शन। इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी और दूसरे अनचार्ज बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं होता, जस्ट क्लोज ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब चूंकि इस दोनों में फोर्स अट्रैक्टिव लगता है, दोनों एक दूसरे को पुल करता है, और इस दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। चूंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाता है रिपल्सिव फोर्स के कंपेरिजन में। और बॉडी अट्रैक्ट होता है कम, रिपल्सन रिपेल होने के वजह
बॉडी क्या होता है, ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब हम लोग यही चीज नॉन कंडक्टर के लिए अगर बात करें, यानी इंसुलेटर के लिए अगर बात करें, तो इंसुलेटर अभी ये इंसुलेटर है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल था जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, जो कि कंडक्टर के सरफेस के क्रॉस रेंडमली मूव कर सकता था। लेकिन इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल एटम के साथ अटैच होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं होता है। इसका मतलब इसमें इंडक्शन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा, होता है, समझते हैं उस बात को। कोई भी एटम जो होता है जनरली, वो जनरली स्फेरिकल इन शेप होता है, यहाँ तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके चारों तरफ है। नॉन कंडक्टर के एटम का हम बात कर रहे हैं, इवन कंडक्टर का एटम भी स्फेरिकल होता है, चाहे वो नॉन कंडक्टर हो, इंसुलेटर, उसका भी एटम स्फेरिकल होता है। तो अगर हम इसके सामने कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए, तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इंडिविजुअल एटम के साथ अटैच है, तो ये फ्रीली मूव करके इसके रीजन में नहीं आ सकता है। लेकिन क्या ये इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसीलिए ये इस रीजन में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, ज्यादा टाइम स्पेंड। तो ये जो सरफेस होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, और यहां माइनस साइन क्रिएट होता है और इधर प्लस। सो इस तरह से नॉन कंडक्टर में भी पोलराइजेशन होता है, इंडक्शन होता है, लेकिन इसके होने का कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं, इस कंसेप्ट के कारण इसमें पोलराइजेशन डेवलप होता है, यानी इसमें इंडक्शन होता है। तो यहाँ भी माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है और यहाँ प्लस। और अगर हम इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें और एलोबरेट अगर करें, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एटम को, न्यूट्रल एटम को प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक एटम किसी एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होता क्या है कि जब हम कोई चार्ज इसके पास लाते हैं, जैसे कि मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट होता है इधर इधर इधर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ही होता है और इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, प्लस प्लस प्लस, तो एक लेयर बन जाता है नेगेटिव का और एक लेयर बन जाता है पॉजिटिव का, और बाकी जो बीच में है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि और भी सारा आइटम है जो कि हम रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। तो इस तरह से ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ है, इस तरह से इंडक्शन होता है या पोलराइजेशन होता है नॉन कंडक्टर में। किसी भी बॉडी में चार्ज होता है वो होता है क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसका ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है। बेसिक सवाल, छोटा छोटा सवाल, और यही कंसेप्ट जो सवाल हुआ यही कंसेप्ट डेवलप करेगा। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, अगर हम बोलें किसी बॉडी में एक कूलम चार्ज है, यानी प्लस वन कूलम चार्ज, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, सबसे पहले ट्रांसफर करेगा या गेन करेगा, ट्रांसफर करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, गेन नहीं हुआ। अगर इसको हम लिखते हैं माइनस वन कूलम तो इलेक्ट्रॉन गेन होता, तो हम बोल रहे हैं कि किसी बॉडी पे प्लस वन कूलम चार्ज है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, फॉर्मूला लगाने में, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो हम लोग क्यू इक्वल टू यूज करेंगे एन ई, सिंपल। क्यू का वैल्यू दिया हुआ वन कूलम, एन का वैल्यू पता नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम चला गया,
एन बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 6.25 इनटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इनटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर डिफाइन करते हैं। तो चार्ज एक बेसिकली क्या है, मतलब लाइक चार्ज में रिपल्सन, लाइक चार्ज में अट्रैक्शन। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, नॉट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज होता ही नहीं। सो चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम बाय वर्चू ऑफ विच दे इंटरैक्ट ईच अदर। अब इंट्रैक्शन चार्ज पार्टिकल के बीच दो ही हो सकता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। तो अपने मतलब चार्ज जो है उस पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो आपस में इंटरेक्शन करता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम निकालना चाहते हैं क्वेश्चन कि मान लो मान लेते हैं कि एक 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज है, 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है हमको फाइंड आउट करना है। इसीलिए हम बोले थे अभी तुरंत कि सारा मटेरियल मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स बना हुआ है एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो। तो ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि अगर 250 ग्राम ऑफ वाटर लिया जाए तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम, और 1 मोल में हम लोग जानते हैं कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कहने का मतलब 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स होता है। तो हमको सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारा मटेरियल मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स एटम से बना हुआ है, तो पहले हमको मॉलिक्यूल फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है वो फाइंड करेंगे, फिर एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है वो फाइंड कर लेंगे, तो फिर हम लोग एक मॉलिक्यूल में जितना एटम आया अब सारे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखो, हमको बोला गया है निकालने के लिए 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। 1 मोल ऑफ H2O जो है वो 18 ग्राम के बराबर है, जिस यानी और 18 ग्राम में 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, और हम लोग लिए हैं कितना, 250 ग्राम। यानी कहने का मतलब 18 ग्राम में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। तो 250 ग्राम में कितना होगा, 250 ग्राम में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 250, इतना मॉलिक्यूल्स होगा। अब एक मॉलिक्यूल में यानी H2O, OH माइनस माइनस प्लस प्लस, ये स्ट्रक्चर होता है। तो एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, वन एटम, और हाइड्रोजन का दो एटम है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 8, हाइड्रोजन के पास होता है 1, लेकिन चूंकि इसका दो एटम है इसीलिए इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 2, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी एक मॉलिक्यूल में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 ही होगा, क्योंकि किसी भी कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो गया। तो हमको बोला गया था चार्ज निकालने के लिए। अब इतना ग्राम में इतना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाई,
और चार्ज निकालने के लिए बोला गया। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज को देख लें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के कारण, तो 6.023 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 250 मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है यानी 10 से मल्टीप्लाई। और चार्ज निकालने के लिए बोला गया तो चार्ज इक्वल टू होता है q = ne, तो ये तो n निकला कि इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन का, इतना पार्टिकल्स है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁰ माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव के लिए पुट किए और पॉजिटिव के लिए प्लस हो जाएगा, सिंपल पॉजिटिव के लिए सिंपल यही टर्म क्या होगा सारा प्लस हो जाएगा। आते हैं हम लोग कि कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं और चार्जिंग का मतलब क्या है। चार्जिंग का मतलब है, किसी बॉडी को चार्ज करने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाए उसमें या इलेक्ट्रॉन उससे लिया जाए। सो चार्जिंग मीन्स सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी। चार्जिंग तीन तरह का होता है, तीन तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। कैसे कैसे चार्जिंग, चार्जिंग मेथड, फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज इंडक्शन एंड थर्ड वन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जनरली हम लोग नॉन कंडक्टर को चार्ज करने के लिए करते हैं जनरली, हालांकि इंडक्शन से भी हम लोग देखे कि कोई बॉडी चार्ज कर सकते हैं, नॉन कंडक्टर को भी इंडक्शन मेथड से भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक्चुअली जनरली हम लोग नॉन कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, यानी जब भी दो मटेरियल आपस में रब किया जाता है तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, हम लोग पहले देख चुके हैं। हम लोग ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से रॉड कर रब कर रहे थे तो ग्लास रॉड पे प्लस और सिल्क पे माइनस, एम्बर रॉड को अगर कर रहे थे कैट फर से तो एम्बर रॉड पे माइनस और कैट फर पे प्लस, ये क्लियर कर दो, फ्रिक्शन के कारण। सो फ्रिक्शन के कारण ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब है कंडक्शन और इंडक्शन, इस दोनों में कॉमन बात है कंडक्शन और इंडक्शन में। अगर हम कंडक्शन या इंडक्शन मेथड से किसी अनचार्ज बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो जो पहले से चार्ज्ड है बॉडी वैसे बॉडी का जरूरत होता है, और वो कहाँ से आता है, फ्रिक्शन से। सो अब हम इस दोनों में कॉमन बात क्या है कि अगर हमको कंडक्शन या इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो जो बॉडी ऑलरेडी चार्ज है वैसे बॉडी का जरूरत है, या तो पॉजिटिवली या तो निगेटिवली। अब हम लोग कंडक्शन और इंडक्शन पे डिस्कस करते हैं। कंडक्शन, मान लेते हैं ये एक न्यूट्रल है, ये एक न्यूट्रल है बॉडी है, यानी इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन पर। न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। सो कंडक्शन मेथड का सबसे पहला बात, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट कराना जरूरी है। तो मान लेते हैं कि हम एक ऐसा चार्ज बॉडी लिए जो कि प्लस है और इसको हम टच कराते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का हम मतलब बताए थे कि उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। और हम एक बात और बोले थे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का तो भारी मात्रा में कमी है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन का भारी मात्रा में कमी है, इसीलिए जब किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से हम लोग टच कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर होने लगता है, इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर होने लगता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर होता है तो ये फाइनली कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक। सो कंडक्शन मेथड से अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है। अगर हम इसको निगेटिवली चार्ज बॉडी से टच कराते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी को तो ये निगेटिव है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहेगा,
तो ये फाइनली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज क्रिएट नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सो इसमें सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है होता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज से बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज कर रहे हैं किसी बॉडी को तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी सिमिलर चार्ज ये जनरेट करता है। कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है। दूसरा, सिमिलर चार्ज डेवलप होता है, सिमिलर चार्जेस डेवलप। एंड थर्ड वन, इट इज परमानेंट, मतलब एक बार टच कराने के बाद अगर इसको रिमूव कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए तो ये चार्ज ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अनचार्ज हो जाएगा, ये चार्ज ही रहेगा। सो इट इज परमानेंट इन नेचर। और इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है कंडक्शन में। इंडक्शन की बात कर लेते हैं। इंडक्शन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, देख लेते हैं। फिजिकल कॉन्टेक्ट जो रिक्वायर्ड है वो नहीं होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। क्या होता है कि हम लोग जस्ट किसी भी चार्ज बॉडी को प्लस 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 प्लस, इंडक्शन अभी हम लोग तुरंत देख चुके हैं ये प्लस प्लस प्लस, मान लो किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के क्लोज ले जाता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस साइड ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है कंपेरिजन टू दिस साइड। सो इधर निगेटिवली चार्ज हो जाता है और इधर पॉजिटिवली चार्ज होता है। चूंकि ये कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर का हम बात नहीं कर रहे हैं, कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जनरेट हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब जैसे इसको रिमूव करेंगे, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको जैसे हम रिमूव करेंगे ये वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये परमानेंट नहीं होकर टेम्पोरी होता है, टेम्पोरी होता है। और इंडक्शन में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज नहीं ट्रांसफर होता है। अच्छा, दूसरा, इसमें डिसिमिलर चार्ज क्रिएट होता है। इसे कहने का मतलब अगर हम मान लो इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये डिसिमिलर हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा डिसिमिलर। हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, चार्जिंग हो गया, चार्ज का बेसिक बात हो गया। अब चार्ज का प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं। चार्ज का प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहला बात, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल जो है, यानी सबसे छोटा किसी बॉडी में सबसे छोटा चार्ज जो हो सकता है वो ई है। E means 1.6 into 10⁻¹⁹ कूलम, यानी सबसे छोटा। हालांकि क्वार्क्स भी हैं, क्वार्क्स जिसको कि हम लोग प्लस माइनस ई बाई थ्री प्लस माइनस टू ई बाई थ्री, लेकिन हम लोग अभी तक इसी को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। क्वार्क्स को हम लोग मानते नहीं, हालांकि एग्जिस्टेंस अभी इसका कम्प्लीटली तौर पर नहीं हुआ है, इसको हम लोग मानते इसी को। तो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन का वो ई है, ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा क्या कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्या मतलब इसका, हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये वही चीज है। मतलब किसी भी बॉडी में चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, यानी हमेशा क्वांटा के फॉर्म में होता है। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, यही फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बोलता है। अब देखिए यहाँ क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, यानी किसी बॉडी में जो सबसे छोटा चार्ज हो सकता है वो वन इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी कहने का मतलब उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि क्वार्क्स में ई का भी 1/3 पार्ट है, ई का 2/3 पार्ट है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसको हम लोग अभी तक मान्यता नहीं दी है। तो हम लोग सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही मानते हैं। तो चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि एन जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, एन हमेशा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगा।
यानी किसी भी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जीरो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव सो ऑन, लेकिन वन बाई टू, रूट टू, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका कंप्लीट जो होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। इसीलिए बोला जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्वांटा फॉर्म, पैकेट फॉर्म, और वो पैकेट सबसे छोटा पैकेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। इससे इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। ये क्वार्क्स एक्चुअली क्या होता है, आता है, लेकिन इसका स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होता, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। सो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल होता है, क्वार्क्स जो होता है लेकिन हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज कि चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है यानी किसी भी बॉडी में चार्ज होता है वो क्वांटा के फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है, और एक सबसे छोटा पैकेट जो है वन इलेक्ट्रॉन है, यानी एन जो है किसी भी बॉडी के लिए हाफ, वन बाई थ्री, वन बाई रूट टू और रूट थ्री और रूट फोर, कुछ भी नहीं हो सकता है, रूट टू सॉरी रूट फोर में रूट टू नहीं हो सकता है। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम कम से कम एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया सकता। ट्रांसफर जब भी होगा एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही दो चीज इसमें आता है, दो टर्म है यहाँ पर, वो हम लोग देख लेते हैं। एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, कूलम होता है, होता है ना, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। और हम लोग देखे थे कि वन कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम है, 10 टू द पावर माइनस 18 सॉरी इलेक्ट्रॉन है, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 टू द पावर प्लस 18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलम के बराबर है। एक्चुअली कूलम क्या होता है, बिगर यूनिट होता है चार्ज का, कूलम जो बिगर यूनिट है, इसीलिए हम लोग स्मॉलर यूनिट के लिए मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम का यूज करते हैं। मिली कूलम का मतलब 10^-3 कूलम, माइक्रो कूलम का मतलब 10^-6 कूलम, नैनो कूलम का मतलब 10^-9 कूलम। सो जो बिगर चार्ज है उसको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, और जो स्मॉलर चार्ज होता है उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। सो बोला जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन चार्ज जो क्वांटाइज है, इसका मतलब कि चार्ज जो है क्वांटा के फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, डिस्क्रीट। लेकिन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जो होता है उसमें चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, और जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है मतलब लार्ज स्केल सॉरी स्मॉल स्केल चार्ज, और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज मीन्स लार्ज स्केल चार्ज। तो लार्ज स्केल चार्ज का जब भी हम लोग डील करते हैं, जब भी हम लोग लार्ज स्केल ऑफ चार्ज के साथ डील करते हैं, तो हम लोग उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो हम लोग मान लेते हैं कि उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट के फॉर्म में नहीं होकर कंटिन्यूस होता है। इसीलिए आगे चल के हम लोग देखेंगे, जब हम किसी रॉड पे मान लो कि एक कूलम चार्ज देते हैं, तो हम लोग मानते हैं कि उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और उसका हम लोग एलिमेंट मानते हैं डीएक्स, एक्स पे जाकर डीएक्स का एलिमेंट लेते हैं, जिसके कारण उसमें हम लोग मानते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूस। तो सिंपल सा बात है, यहाँ एक सिंपल सा बात यही कहना चाहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये बिगर चार्ज होता है, और बिगर चार्ज में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, मतलब उसको इस तरह से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करके कंटिन्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा सुटेबल है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये दो चार्ज, दो प्रॉपर्टीज जो है, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो पार्टिकल, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तीसरा अगर हम लोग देखें, थर्ड, तो वो क्या है कि चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। ये बहुत सिंपल है, एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब है, ये सिंपली फॉलो कर रहा है इसके स्केलर क्वांटिटी को नहीं होता। चार्ज चूंकि स्केलर है, चार्ज क्या है, स्केलर, सो सिंपली वो सिंपली हम लोग उसको स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं, स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सपोज जैसे मान लो कि किसी बॉडी पे हम एक कूलम चार्ज दिए,
फिर माइनस माइनस टू कूलम चार्ज दिए, फिर इधर से फाइव कूलम चार्ज दिए, तो नेट चार्ज जो होगा ना इस सब का सम होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, सिंपल एल्जेब्रिक सम, स्केलर सम, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी इस पे नेट चार्ज हो गया क्यू नेट लिखा जाएगा वन प्लस फाइव माइनस टू, सो दिस इक्वल टू सिक्स, सो दिस इक्वल टू फोर, फोर कूलम। सो नेट चार्ज इस बॉडी में कितना है, फोर कूलम। प्रॉपर्टीज जो है वो है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन, जब भी कंजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे हम एग्जांपल लें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल सा बात देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सबका देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो सिंपली यू कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ही इनिशियल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कहने का मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका इनिशियल चार्ज क्यू इनिशियल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू क्यू फाइनल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम आईएस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मतलब ये क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का इनिशियल चार्ज का सम और फाइनल चार्ज का सम बराबर होता है, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम करने का मतलब क्या है, सपोज करते हैं मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीन बॉडी है और इसका हमको एक बाउंड्री मिल गई है। मान लो कि ए और बी के बीच में ट्रांसफर हो सकता है चार्ज का, बी और सी में ट्रांसफर हो सकता है चार्ज का, सी और ए में ट्रांसफर हो सकता है चार्ज का, इस तरह से आपस में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसको हम एक सिस्टम मान लीजिए, और इस सिस्टम बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आ सकता है और ना अंदर से चार्ज बाहर जा सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस आर द आइसोलेटेड सिस्टम, ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि क्यू इनिशियल क्यू फाइनल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है। चार्ज का एक और प्रॉपर्टी है, एम इज व्हाट मास ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज एम नॉट, ये प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फिफ्थ और सिक्स्थ, व्हाट एवर, दिस इज अ रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ चार्ज, एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 20 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड बी इज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, उसके स्पीड पर डिपेंड करता है, इज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास स्पीड पर डिपेंड करता है। हालांकि ये केवल चार्ज के लिए नहीं, सारे मासेस के लिए वैलिड है कि किसी भी बॉडी का मास उसके स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग जनरली इसको यूज, मतलब हम लोग इसको ये इफेक्ट में नहीं आता। कारण क्या है कि जैसे मान लो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी का बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी कितने स्पीड से दौड़ सकता है, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर तुम 100 मीटर पर सेकेंड से भी दौड़ रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से भी दौड़ रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो ये बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर भी
सारे ये फॉर्मूला सारे बॉडीज के लिए वैलिड है, यहाँ हम चार्ज के बारे में बता रहे हैं, ये फॉर्मूला सारे बॉडीज के लिए वैलिड है। लेकिन क्या है कि अगर भी यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इज फार फार लेस देन सी, तो एम और एम नॉट में कोई फर्क नहीं है, एम इज सिंपली द रेस्ट मास एम, क्योंकि ये टर्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है और वन माइनस नेग्लिजिबल, सो सिंपली एम इज इक्वल टू एम नॉट। अच्छा, मास तब चेंज करने लगता है किसी भी पार्टिकल्स का, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो या कोई भी अदर पार्टिकल हो, उसका मास तब चेंज करने लगता है जब उसका वेलोसिटी सी के कॉम्पेरेबल होने लगता है। भी जो है यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स जब सी के आसपास होने लगता है, और ऐसा चार्ज पार्टिकल के साथ हो सकता है, क्यों वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचा जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसका मास बहुत कम। इलेक्ट्रॉन, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, अगर इस पे एक न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, एक न्यूटन का, तो फोर्स बराबर था मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इतना बराबर लिखा जाएगा 9.1 × 10⁻³⁻³ यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³⁷/9.1 m/s². हम क्या बोले कि ये फॉर्मूला सारे पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, हम यहाँ चार्ज पार्टिकल के बारे में बता रहे हैं। जब हम लोग सिंपली पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो उसमें इस चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड सी से बहुत कम होता है, तो ये वाला टर्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, सो एम इज इक्वल टू एम नॉट हो जाता है। सो द वेरिएबल मास होता है सिंपली रेस्ट मास होता है। लेकिन अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल सी के कंपेरेबल हो जाए, और ये कंपेरेबल हो जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जैसे लाइटर पार्टिकल्स का बात करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम एग्जांपल, क्योंकि अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर एक न्यूटन का फोर्स लगाया जाए जिसका मास होता है 9.1 × 10⁻³⁻ kg, तो लिखा जा सकता है फोर्स यानी 1 = mass × acceleration। सो देखो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा है, 10⁻³⁷ m/s². सो बाकी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे किसी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी उसका स्पीड कितना बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है साइक्लोट्रॉन में, मैग्नेटिज्म में। इसीलिए कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का स्पीड जब बी के सी के कंपेरेबल होने लगता है और इलेक्ट्रॉन ऐसा अचीव कर सकता है, इसीलिए हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास जो होता है वो स्पीड के साथ वैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मतलब उस पर एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए। एक बार हम आज जो हम लोग पूरा पढ़े उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। चार्ज इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ एटम्स ऑफ मटेरियल, एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, प्रोटॉन कैन नॉट, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जो प्रोटॉन को हमेशा पकड़े रखता है, हेल्ड रखता है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर हम लोग देखें कि चार्जिंग, हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, तो चार्ज करने का तीन तरीका होता है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जनरली हम लोग नॉन कंडक्टर को चार्ज करने के लिए करते हैं। कंडक्शन इंडक्शन में कॉमन बात है कि कंडक्शन और इंडक्शन मेथड से अगर हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी है वैसे चार्ज बॉडी का जरूरत पड़ता है। कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है, कंडक्शन में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है और ये टेम्प्रोरी नहीं परमानेंट होता है और ये सिमिलर चार्ज क्रिएट करता है। इंडक्शन में कॉन्टैक्ट का कोई जरूरत नहीं होता है, इसमें हम लोग जस्ट एक बॉडी, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के जस्ट क्लोज ले जाते हैं
और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होता है, उसमें सिमिलर और इसमें डिसिमिलर ऑफ चार्ज डेवलप होता है, और ये टेम्प्रोरी होता है। मतलब अगर हम लोग किसी बॉडी को ले गए और वापस से हटाए तो वापस से न्यूट्रलाइज होगा इंडक्शन। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक वो इलेक्ट्रॉन है। हालांकि क्वार्क्स भी है जो कि 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होता है और एग्जिस्ट उसका एग्जिस्टेंस तुरंत खत्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास जो होता है वो स्पीड के साथ वैरी करता है, और जनरल लाइफ में भी किसी बॉडी का मास स्पीड के साथ वैरी करता है, लेकिन चूंकि उसका स्पीड सी के आसपास तक नहीं पहुंचता है इसीलिए हम लोग मानते हैं कि उसका मास क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड के साथ मास स्पीड के साथ वैरी नहीं कर रहा है। और एक बात कि चार्ज और मास के बीच एक रिलेशन है कि अगर किसी बॉडी में मास है तो वो बॉडी में चार्ज हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो उसमें मास होगा ये जरूरी है। मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।